पूछने लगी है क्या बात है पिया, पहले आया करते थे तुम्हारा ये चेहरा फूल जैसा खिला हुआ था, लेकिन अब इतना मुरझाया हुआ क्यों है, क्या बात है बोलो। हरिचंद कहने लगे रानी तारा तुम्हें नहीं पता है, एक ब्राह्मण ने आकर के सारा राज दान में मांग लिया। समझाने लगे सुनो कि रानी तारावती हाल पूछो मती क्या हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने बारी है डाया। रानी तारावती हाल पूछो मती क्या हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी हमारा। बोली रानी तारा से हरिचंद बोले एक ब्राह्मण ने आकर के सारा राजपाट दान में मांग लिया। ए रानी तारा कहने लगी बस इसीलिए उदास हो तुम, रो ना क्यों, अरे अगर कुछ रह गया हो तो तुम ऐसा करो हमें बेच दो, क्योंकि इस तन पे अधिकार तुम्हारा, चाहे बोटी बोटी कटवाए डालो। अब परीक्षित जी आज के भैया लोगन पे भैया लोगों कम से कम 500 रुपया गिर जाए तो गारी देती है घर में, कहती तुम नहीं मर गए थे रुपया डारी आई। लेकिन रानी तारा कहने लगी प्रभु रो ना तुम, क्यों मुझे बेच दो। अब इधर का हमें बेच दो लेकिन ब्राह्मण का कुछ मत रखो। रोहितास आए बोले पिताजी मुझे बेच दो लेकिन कुछ मत रखो। तो क्या किया, तीनों प्राणी बिकने चले हैं। रानी का सबसे प्यारी छोटा और केवल एक साड़ी मोटी है, और रोहित पर एक लंगोटी है, राजा पर एक का सब सिंगार छोटा केवल एक साड़ी मोटी है, रोहित पर एक लंगोटी है, राजा पर एक ही धोती है, तीनों प्राणी बिकने चले हैं। और जब बिकने चले हैं लिखा गया है हरिचंद बिकने चले और भयो अबदी में सोर, जीव जंतु रोने लगे
कोकन लागे मोर। जब हरिचंद बिकने चले हैं सारी अयोध्या नगरी में, एक दुक्का पहाड़ टूट पड़ा कि अरे गई अब उदासी जाई, और भिगी बे जाई रे तीनों प्राणी। आज खुद बिकने जा रहे हैं बारिश समय, अरे गई अब उदासी जाए चंद बिकने चले हैं सारी अयोध्या में, एक दुक्का पहाड़ टूट पड़ा। हरिचंद रो के अपनी जन्मभूमि मैया को प्रणाम करने लगे और कहने लगे, माँ आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, कि आप प्रणाम पे रहता है और जब उसे छोड़ना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है। हरिचंद को आज अपनी राजधानी छोड़ने के लिए पड़ रही है तो बड़े रो रहे हैं हरिचंद और वो मैया। आज तलक की तू गई हमारी, अब हो गई पराई रामा, अब हो गई विरानी।
बोले हरिचंद्र सर्वस जाए धर्म नहीं छोड़ दिल में अपने ठानी अपने दिल में अपने ठानी इधर हरिचंद ने अपनी जन्मभूमि मैया को प्रणाम किया, लेकिन सारी प्रजा के लोग रोने लगे। हरिचंद से बोले, प्रभु तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना यहाँ रह नहीं पाऊंगा। जब प्रजा के लोगों को रोते हुए देखा हरिचंद ने, तो विश्वामित्र से बोले, प्रभु